हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में सीखने वाले हैं कि अगर एमएस वर्ड के द्वारा अगर हमें एक सर्टिफिकेट डिजाइनिंग करना हो, बनाना हो, तो उसके लिए क्या स्टेप है और कैसे बनाएंगे, वो आज के क्लास में एक एक करके हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले देखो, जो मैंने फॉर्मेट अभी लिया है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट कराएंगे। कहाँ पे? तो इंसर्ट पे आएंगे, और इंसर्ट पे आने के बाद से स्टेपेज पे आएंगे। किस पे आएंगे? स्टेपेज। एक हम बाउंड्री क्रिएट करेंगे, नहीं तो इधर उधर उधर दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ पे हम स्टेपेज पे आके और हम एक स्टेपेज ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? सेपेज ड्रॉ करेंगे, और सेपेज को ड्रॉ करने के बाद से आप लेंथ वैसे अपने हिसाब से सेट कर लेना इसका। और यह करने के बाद से इसी को सेलेक्ट किए हुए आपको आना है फॉर्मेट पे, और फॉर्मेट पे आने के बाद से आपको आना है सेव फील्ड पे, और यहीं पे ऑप्शन दिया पिक्चर, दिख रहा है? इस पिक्चर पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से ब्राउज फाइल पे क्लिक करना है, डेस्कटॉप पे आना है, मतलब जहां पर रखे हो आप वो फॉर्मेट, उस फॉर्मेट को आपको ले लेना है। इसमें से जो हमको अच्छा लगे वो फॉर्मेट हम ले लेंगे। मैंने यहाँ पे क्लिक किया इसको और यहाँ से इंसर्ट करा दिए, ठीक है। मतलब ऐसा हम किस लिए किए हैं कि जो हमारा ये सेपेज जो ये क्रिएट होगा इसी बाउंड्री के अंदर रहेगा, ठीक है। अब इतना लेने के बाद से हम बाहर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा हमारे सामने आ जाएगा इंटरफेस। अब यहाँ पे आने के बाद से देखो, मैंने यहाँ पे पिक्चर एक ओपन किया है, तो यहाँ पे देखो कुछ लिखा गया सर्टिफिकेट, दिख रहा है ना आपको? थोड़ा सा इसका एंगल भी चेंज किया गया है, और उसके बाद से उसका नाम लिखा गया है, और उसके बाद से इसके बारे में कुछ मैटर लिखे गए हैं, डेट दिया गया है, उस कंपनी का लोगो दिया गया है। या ऐसे आप लोग इंसर्ट करा सकते हैं, और यहाँ पे सिग्नेचर, ठीक है। तो कुछ भी हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, कोई भी लोगो इंसर्ट करा सकते हैं। तो चलिए आगे आते हैं और बढ़ते हैं, और इसको हम लोग इंसर्ट कराते हैं। तो सबसे पहले आ जाएंगे कहाँ पे? अब इंसर्ट पे और टेक्स्ट बॉक्स पे आएंगे, और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे आएंगे, और क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे। क्या करेंगे? टाइप करेंगे, क्या लिखेंगे? सर्टिफिकेट। हाँ, कैपिटल लेटर में ही सारा लिखेंगे, अच्छा रहेगा, या स्मॉल में लिख सकते हो, सारा हम कैपिटल ही करते हैं। ठीक और सर्टिफिकेट टाइप करने के बाद इसको हम सेलेक्ट करेंगे और बोल्ड करेंगे इसको, और साइज थोड़ा सा बड़ा करेंगे, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप के खींच देंगे, ऐसी भी लाएंगे, और इसको कहाँ सेट करना अपने हिसाब से उसको सेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, समझना। अब ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, अच्छा दिख नहीं रहा है, ठीक है, इसीलिए इसको हम हटाएंगे। अब हटाएंगे कैसे, आपको पता है, इसको हम सेंटर में करना चाहते हैं सेंटर में कर सकते हैं, और अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, क्या एंगल चाहिए इसका। और फॉर्मेट पे जाके आउटलाइन पे यहाँ पे नो फिल करते हैं, यहाँ पे सेव को, और आउटलाइन को कर देते हैं नो आउटलाइन, क्लियर है? ठीक है, तो आप लोग इसको ले सकते हो, या तो वर्ड आर्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, तो वर्ड आर्ट से थोड़ा सा, ठीक है, रोटेट होगा। तो बहुत तो हम सिंपल हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, इसीलिए मैं बस इतना हमने दे दिया यहाँ पे, और देने के बाद से यहाँ पे क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद से देखो यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे तुरंत नेम लिख दिया गया, लेकिन ये फॉर्मेट मेरे हिसाब से अच्छा नहीं दिख रहा है, देखिए मैटर थोड़ा सा अलग रहे तो अच्छा रहेगा, जिसे यहाँ पे दिया गया है। हाँ, चलो ठीक है। यही सही है, मैक्सिमम पे अवॉर्डेड टुडे यही लिखा रहता है।
यह वाला राइट क्लिक सेव सेव करके इसको ओपन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लेने के बाद से आप अपने हिसाब से मतलब मेटर हर एक सर्टिफिकेट पे ऐसा रहता है, अच्छा रहता है, ठीक है, बेटर तरीके से। तो आते हैं और यहाँ पे इसको टाइप करते हैं, और टाइप करने के बाद से हम लोग यहाँ पे देखो क्या किया गया है, एक यहाँ पे लाइन खींचा गया है, ठीक है, और उसके बाद से फिर से देखो यहाँ पे एक लाइन खींचा गया है और उसके नीचे मीटर लिखे गए हैं। तो चलिए इसको हम लोग टाइप करते हैं, और क्या इसका स्टेप है, कैसे करेंगे, और आऊंगा इंसर्ट पे, और इंसर्ट पे आने के बाद से यहाँ पे मैं आ जाऊंगा सेपेज पे और एक लाइन खींचूंगा। लाइन बहुत ज्यादा नहीं रहेगा हमारा, ठीक है, शिफ्ट के साथ खींचेंगे सीधा जाएगा, और थोड़ा सा हम इसको मोटा कर देंगे, आउटलाइन, और इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके, और इसका कलर हम ब्लैक ही कर देंगे। अब ब्लैक करके कंट्रोल डी दबाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसका एंगल सेट कर लीजिएगा, कैसे कहाँ पर रखना है, जो आपको बेटर लगे। मैं अपने हिसाब से जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं यहाँ से इंसर्ट करा दिया बस, और इसको क्लिक करूंगा, थोड़ा सा इसको छोटा करें, और इसको भी हमने क्लिक किया, और इसको भी शिफ्ट के साथ थोड़ा सा छोटा करें, क्योंकि मैटर हमको ज्यादा लिखना है इसके अंदर, इसीलिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएंगे और आने के बाद इसी मैटर को हमको टाइप करना है, ठीक है, दिस सर्टिफिकेट इज ब्रॉडली प्रेजेंटेड टू, ठीक है, ये हम टाइप करके तब इसका सरनेम लिखना है, जो भी है जिस नाम से हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं इसको। क्या जी, अच्छा लाइव वाले में क्या? इस सारे कैपिटल में है ना? ठीक है, चलो और सेलेक्ट करने के बाद से ध्यान दो, इसको हम सेलेक्ट करके इसको बोल्ड करेंगे, कलर अपने हिसाब से सेट कर लेंगे, ठीक है, साइज को बड़ा छोटा कर लेंगे आपकी मर्जी, और इसको एडजस्ट करने के बाद से हम यहाँ पे लाएंगे, ठीक है, और इसको सेलेक्ट करके पहले आउटलाइन को हम हटाते हैं, देखते हैं कहाँ तक जा रहा है, फॉरवर्ड पे आएंगे और आउटलाइन को नन कर देंगे, और कलर को भी नो फिल कर देंगे, ठीक है। हाँ, यह अलाइनमेंट आप लोग देख लेना कि यह दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब अपने हिसाब से एरो से जानते हो, जब इसको कंट्रोल डी करोगे तो हमने माउस से लेके चला है ना, इधर उधर हो जाता है, अगर सामने लेके जाना है तो क्या करोगे इसके लिए, जो इसी के तुम जस्ट सामने चाहिए तो कंट्रोल डी कर दोगे, ठीक है, उसके बाद इसका एंगल सेट करना है तो तुम सामने एंगल सेट करना है तो तुम यहाँ बराबर कर दो यहाँ से, और आने के बाद क्या करो, आप एरो दबाओगे तब इसी के सामने जाएगा, ठीक है, अगर एंगल अगर मान लो तो आपको लग रहा है कि नहीं ये अलाइनमेंट हमने सही नहीं किया है, सेटअप सही से करना है, इसको आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है, ठीक है तो था, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, साइज एक ही अब रहने देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं बड़े वाले को।
हो जाएगा। अब इतना करने के बाद से आपकी मर्जी, ये कलर आपको पसंद नहीं है, स्टाइल आपको अलग चेंज करने हैं तो आप लोग को पता। हाँ, इसका भी स्टाइल अगर सिंपल लग रहा है आपको, यहाँ पे आओ और आने के बाद से कहाँ पे आ जाओ, फॉन्ट पे आ जाओ, और बहुत सारे फॉन्ट दिए गए, इसमें से दूसरा कोई फॉन्ट चूज कर लो जो आपको अच्छा लगे। हमें तो यही सबसे अच्छा लग रहा है। चलिए रहने देते हैं जो है पहले से।